अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल भाइयों, आज हम आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके, जिधर हम उतरे हैं आज पोचिंग की और आज फुल तबाही होगी। उतरते ही हमें मिल चुकी है UMP-45 और अब दूसरी गन की तलाश करेंगे और फिर जैसी मिलेगी और फिर रश शुरू करेंगे। यहाँ पर मिल जाती है हमें एक उजी और बाय फुटस्टेप्स आते हैं एक बोट के और पहले उसको खेलते हैं। बाहर तबाही चल रही है, चलो अब आगे रश करने चलते हैं। यहाँ पे मुझे सामने आते हैं फुटस्टेप्स, मैं थोड़ी सी टीवी पे लेता हूँ, फिर मैं कहता हूँ यार थोड़े किल्स चाहिए, थोड़ा आगे निकलते हैं। सामने मुझे बंदा देखता है, आप लोगों को देख गया होगा। फिर मुझे लेफ्ट साइड से फुटस्टेप्स आते हैं, वो बंदा भागता हुआ आ रहा है, फिर इसको खेलेंगे। और अभी सामने वो जब हमारे बंदा भागा था, मैं उसकी तलाश में निकला हूँ क्योंकि किल का नो मजाक भाइयों। और ये बोट निकलता है और इसको हम उसी से पेल देते हैं। और मुझे ट्रिपल स्टोरी से आते हैं फुटस्टेप्स, तो मैं देखता हूँ बंदा सामने दिखता है और मुझे सामने दिखता है बंदा और मैं उसको मारने की कोशिश करता हूँ। दो तीन बुलेट्स लगती हैं और मुझे साइड से फुटस्टेप्स आते हैं। फिर मुझे अचानक होता है यार ये ग्रेनेड ना बंदा फेंक दे यहाँ पे, उसको मेरी पोजीशन तो पता है, तो मैं अचानक भागता हूँ और देखिए अभी आगे क्या होता है। और ये देखिए भाई साहब क्या टाइमिंग थी, फौरन निकला हूँ मैं और पीछे उसने ग्रेनेड फेंक दिया। और ये बंदा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खेल रहा था, ये रश करने के फुल मूड में था, रश कर रहा होता ये बंदा तो वो ऊपर आ चुका था सीढ़ियों पर। ये गोलियां मार के यहाँ से उसको डराया और वापस आ गया। अभी उसके यहाँ पे उसने स्मोक फेंका और मैं फ़ौरन गया उसके ऊपर रश करने। और ये हमारे पाकिस्तानी भाई थे, अगर ये देख रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। अभी उतनी देर में एक और बंदा आ गया, ये भाई थर्ड पार्टी करने की सोच रहे थे। और देखिए हमको पता, ये वही ट्रिपल स्टोरी वाला बंदा था जो उधर से कूद के गया था। ये कोर फिक्सर्स है और ये देखिए लाइट पास वाले भाई थे, इनको भी फेल डाला। अभी इनको फेल के हमें ऊपर से आते हैं फुटस्टेप्स और हम दोबारा रश करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे साउंड्स आ रहे थे जिससे वो बंदा डबल स्टोरी में नहीं, ऊपर छत पे है वो बंदा, ऊपर वाले फ्लोर में नहीं था वो बंदा। अभी यहाँ से मैं कूद जाता हूँ और फिर ऊपर जाके सारा देखते हैं, वो ऊपर नहीं होता, फिर पता लग जाता है कि भाई वो ऊपर ही छत पे बैठा हुआ है, बंदर बना हुआ था भाई बंदा। और यहाँ पे मुझे एक और बंदा दिखता है, मैं मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो घर के अंदर घुस जाता है। फिर मैं यहाँ सोचता हूँ कि इस ऊपर जो छत पे बंदा इसको कैसे पहला जाए, फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ और सामने वाले घर पर चढ़ जाता हूँ, ट्रिपल स्टोरी में जाता हूँ। यहाँ से ट्रिपल स्टोरी में जाके मैंने कहा अच्छा सा एंगल मिलेगा और इसको फेल दिस कर देंगे। और भाई साहब यहाँ मेरा जितना टाइम वेस्ट हुआ, इतना ज़्यादा यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हुआ ना इस बंदे की वजह से। ये बंदा बार बार पीक कर रहा था बार बार और मैं इसको टैप टैप कर ही जा रहा था। यहाँ पूरे 10 मिनट लग गए इस बंदे के पीछे मुझे। मैंने पहले सोचा यहाँ से निकलूँ लेकिन मैंने कहा यार किल्स थोड़े हैं, इस बंदे को मार के जाऊँगा। मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप काटी है यहाँ से ताकि आप लोग बोर ना हो। और यहाँ पे बार बार वो एंगल दे रहा था और ये थोड़ा सा मारता था वो बार फिर साइड पे हो जाता था। और ये देखिए भाई साहब कैसे उसका थोड़ा सा हल्का सा हेड नज़र आया और थोड़ा सा एंगल मिला मुझे छोटा सा और पेल दिया उसको भी। और बस मैं यहाँ से निकल नहीं लगा था लेकिन पीछे चलती है UMP, तो वो भैया ने दोबारा से बुला रहे थे। हमने सोचा चलो ठीक है कोई नहीं, हमने यहाँ से गाड़ी ली, मैं गाड़ी लेने जा ही रहा हूँ बस यहाँ से और फिर उसको फिर पेलते हैं। तो यहाँ पे मुझे गाड़ी मिल चुकी है और अब यहाँ पे मैंने सोचता हूँ यार सामने स्क्वाड है उधर रुक जाता हूँ जाके,
मेरे पास एक फ्लेयर भी थी, वो भी उड़ाएंगे जाके। यहाँ मैं उतर के पहले देख लेता हूँ कोई बंदा तो नहीं है आसपास। ये हल्के से फुटस्टेप्स आते हैं, यहाँ मुझे बग्गी गुजरती है, मैं इसलिए उसको ना टैप करके बुलाता हूँ। मैं ऊपर चढ़ता हूँ तो वो बग्गी जा रही होती है, मैं स्प्रे देता हूँ उसका। ये बंदा ऑफलाइन हो गया था, बार बार गाड़ी इसकी गोल गोल घूमी जा रही थी। दो तीन दफ़ा इसको मैंने टैप टैप किया और यहाँ पे इसको खेल देंगे हम। ये एक हेड लगा, दूसरा हेड और ये बंदा डाउन। और अब हम यहाँ से निकल रहे थे और बंदों की तलाश में। बंदे भाई साहब मिल नहीं रहे थे, इतना बड़ा जोन था और थोड़े से बंदे बचे हुए थे। मैं पागलों की तरह कभी गाड़ी लेके इधर कभी उधर, मैंने दो तीन गाड़ी यहाँ पे चेंज की लेकिन मैंने को क्लिप नहीं दिखाई। यहाँ पे स्किट कैसी मारी, यहाँ पे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया मैंने ताकि आप लोग बोर ना हो। यहाँ मैं सीधा जाता जा रहा, मैंने सोचा यहाँ पे भी देख लूँ, यहाँ बंदे ना दिख जाए मुझे कहीं। और यहाँ मैं गोल गोल घुमा रहा था, भाई साहब पता नहीं बंदे किधर गए हुए थे, मुझे कोई बंदा नहीं दिख रहा था। और यहाँ पे मुझे घर देखते हैं, मैं सोचता हूँ चलो यहाँ पे देखते हैं बंदे होंगे। और मुझे सामने दिखता है ड्रॉप, मैं चाहता हूँ चलो ड्रॉप ही उठा लेते हैं, शायद वहाँ पे कोई बंदा दिख जाए। मुझे सामने होती है बगी स्पॉट और फिर देखे कैसे पेलते हैं उसको भी। और ये टक्कर मारी एक और फिर उसका पीछा करने लगे थे, बंदा भाग रहा था डर के। और मैंने फुल बूस्ट लगा के मैंने कहा चल बेटा तेरे पीछे ही हूँ मैं भी, और इसके पीछे भगा दी गाड़ी इसकी। हल्की हल्की स्लो हो रही थी बगी ना, पता नहीं क्या चाह रहा था ये करना। और ये सामने जाके ठुक जाता है, कैसा पहला हेडशॉट। और यहाँ से निकलता हूँ मैं, यहाँ पे स्मोक हुआ होता है। और यहाँ पे एक और बंदा होता है, वो सामने नज़र आया होगा आपको, मैं उसके ऊपर रश करता हूँ। और ये भाई साहब मारो मिको मारो, ये भाई साहब चुप करके यहाँ पे आके बैठ गए थे कि मैं आगे गुजरूँ। और ये मुझे पहले यहाँ पे मैं बगी का पीछा कर रहा होता हूँ, एक बंदे को उड़ा जाती है, वो ग्रीन ग्रीन धुआं दिखा होगा आपको इस बगी के लिए। ये इसको टक्कर मारी, इसको मैं पेलने की कोशिश कर रहा था, फिर मैं इसका टायर फोड़ दिया। मैंने कहा टायर तो फोड़ू, यहाँ से मुझे एक एसकेस की पड़ी, बहुत मुझे गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा यार दूसरा किधर से टपक पड़ा, मैंने उसको इग्नोर किया और मैंने कहा चलो इसको पहले पेलते हैं। और इसको पेल दिया और पिल गया। और यहाँ पे मुझे उस एसकेस वाले ने पेल दिया, मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं, हमारा चिकन ज़ाया हुआ लेकिन अगली बार फिर से ही। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिन जिन ने इधर तक वीडियो देखी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।